दिया था कि एक आनियन को बिना है परावर्तन अंक। एक आनियन को बिना क्या होता है, एक नंबर आगे जो हम माइनस करते हैं, जो बोलते हैं एक आनियन को बिना, को बिना मतलब पहले, एक आनियन मतलब एक नंबर को माइनस करना। एंड परावर्तन अंक क्या होता है, जब दो नंबर के सम जोड़ के टोटल बनता है, सॉरी सम करने पर टेन बनता है, जब दो नंबर के सम को मिलाने पर टेन बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन अंक। ठीक है, हमने ये किया था, इसके बारे में हमने दो तीन क्वेश्चन भी किए थे, परावर्तन अंक से और एक आनियन को बिना से हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वो हमारा था मेथड नंबर फर्स्ट। तो उसी से रिलेटेड हम अपने एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, जिसके मैं आपको तीन क्वेश्चन करवाऊंगी, एक टू डिजिट नंबर वाले, एक थ्री डिजिट नंबर सब्ट्रैक्शन और एक फोर डिजिट नंबर सब्ट्रैक्शन, जो कि इस फॉर्मूले से होंगे, सिर्फ फर्स्ट मेथड से होंगे, एक आनियन को बिना एंड परावर्तन अंक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है टू डिजिट नंबर में 82 माइनस 54, पहले हमें क्या करना होता है, पहले नंबर में हमें परावर्तन अंक देखना होता है कि वो परावर्तन अंक है कि नहीं है टोटल करने में। तो 4 और 2 प्लस करने के होते हैं 6, तो ये परावर्तन अंक देने में। तो 4 का परावर्तन अंक हमें पता है, नीचे वाले नंबर का हम परावर्तन अंक निकालते हैं, नीचे वाले नंबर का परावर्तन अंक होते हैं 6, तो हम क्या करेंगे 6 को ऊपर वाले नंबर से मतलब 2 से ऐड कर देंगे, जो कि हो जाएगा 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। एक आनियूना को बिना मतलब आगे वाले नंबर को माइनस करना है, 2 से आगे क्या है 8 है, 8 को हमने माइनस किया, 8 क्या बन गया, 8 इंच डॉट करने से मतलब एक नंबर माइनस हो गया, ये बन गया 7। और हमें पता है कि जो लास्ट नंबर होता है मतलब जो लास्ट वाले नंबर होते हैं उनमें हम परावर्तन अंक का यूज नहीं करते हैं, हम उसको सीधा माइनस करते हैं, तो ये 7 हो गया, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारा टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड थ्री डिजिट नंबर क्वेश्चन पे, वही करना है, इन दोनों को पहले देख लें, ये परावर्तन अंक है, इन दोनों का सम जो है वो 10 निकलता है, निकलता पहले हम लिख देंगे, 2 और 3 जो होता है वो 5 होता है, ये परावर्तन
थ्री डी जी वाले हैं और फोर जो है वो थ्री डी जी वाले हैं। ये हम मैंने आपको तीन क्वेश्चन टिक करके दिखाती है, टू डी का, थ्री डी का और फोर डी का। ओके, ये थी आपके एक्सरसाइज 4.1, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन सॉल्व